अगली खबर कासगंज से है, जहां पर पुलिस की एक और बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है। अवैध रूप से संचालित शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। पुलिस ने मौके से दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। 6 अवैध तमंचे, 5 जिंदा और 1 खोखा कारतूस बरामद किए जाने की बात सामने आ रही है। अवैध रूप से संचालित शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। बड़ी मात्रा में अर्धबने तमंचे, शस्त्र बनाने के उपकरण भी यहां से बरामद किए गए हैं और खाली पड़े मकान में चल रही थी अवैध शस्त्र फैक्ट्री। कोतवाली पटियाली के कस्बा भरगैन का पूरा मामला बताया जा रहा है। फिलहाल यह आम खबर आपको बता दें, जहां पर ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर अवैध रूप से संचालित शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ होने की बात कही जा रही है और बड़ी मात्रा में यहां पर अर्धबने तमंचे और शस्त्र बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। तो बड़ी मात्रा में यहां पर अर्धबने तमंचे और शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए जाने की बात सामने आई है। इस वक्त की आम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह आम खबर जहां पर आपको बता दें कि कोतवाली पटियाली के कस्बा भरगैन का पूरा मामला बताया जाता है। तो कस्बा भरगैन का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और कासगंज से खबर है, पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। तो पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जहां पर पुलिस ने अवैध रूप से संचालित हो रहे शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। अवैध रूप से संचालित शस्त्र फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने दो अभियुक्तों को भी मौके से गिरफ्तार कर लिया है। तो पुलिस ने दो अभियुक्तों को भी मौके से गिरफ्तार कर लिया है। अवैध रूप से संचालित शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर बड़ी मात्रा में अर्धबने तमंचे, शस्त्र बनाने के उपकरण भी बरामद कर लिए गए हैं। तो पुलिस को यहां पर बड़ी सफलता मिलने की बात कही जा रही है। यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। देखिए, हमारे कासगंज पुलिस को बहुत अच्छी सफलता मिली है आज के दिन। हमारे थाना पटियाली पहली बात है कि थाना पटियाली के थाना अध्यक्ष गंगा प्रसाद और उप निरीक्षक अमरेश सिंह को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और पटियाली सर्किल को बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने एक अच्छा सफलता पाई है। हमने एक जो बरगैन गाँव के जो कस्बा है, वहाँ पे एक अवैध शस्त्र बनाने का एक फैक्ट्री जो है उसका भंडाफोड़ है। उसमें दो अभियुक्त गिरफ्तार हो गए, एक अभियुक्त का नाम है वसीम और दूसरा अभियुक्त का नाम है रामपुर।